लाल कुआं के दानू इंटर कॉलेज में 38वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। वहीं बिंदु खत्ता के शहीदों की वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने घोषणा करते हुए कहा कि कॉलेज में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर एक कक्षा बनाया जाएगा। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। वार्षिक उत्सव है और लंबे समय से हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं और ये प्रारंभिक दौर में केवल कक्षा 3 तक था और धीरे धीरे हमने समय समय पर इसको अपडेट किया है। अभी इसका इंटर तक पहुंच गया दानू इंटर कॉलेज और अभी लगभग 600 छात्र हैं, छात्र छात्राएँ शिक्षा पा रही हैं। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर अनेक छात्र जो उच्च प्रशासनिक सेवा में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और ये शहीद मोहननाथ गोस्वामी कक्षा 8 तक इसी विद्यालय में पढ़े हैं और भी कई बच्चे जो इस विद्यालय से पढ़ करके काफ़ी इन्होंने क्षेत्र का और देश का नाम रोशन किया। सुंदर, आज चूंकि ये विद्यालय बिंदुखत्ता क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है और आज 38वां वार्षिकोत्सव इसका हो रहा है, इस अवसर पर मुझे भी विद्यालय प्रबंधन ने आमंत्रित किया और सम्मान दिया। मैं विद्यालय प्रबंधन का, विशेष रूप से डॉक्टर चंद सिंह दानू जी का आभारी हूँ और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे लगता है कि स्कूल जो है बच्चों पर बहुत मेहनत कर रहा है, उन पर उनके लिए कार्य कर रहा है और चूँकि बहुत ही कम, जिसे कहना चाहिए इकोनॉमिक फी बजट पर स्कूल काम करता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि ऐसे स्कूलों को सहायता की जाए